आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी में कागजों में कुत्तों का स्टेराइजेशन कर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर कम से कम रोजाना 5000 लोगों को कुत्ते काटते हैं। उत्तरी नगर निगम में 2020-21 के अंदर डॉग स्टेराइजेशन के लिए 15 करोड़ का आवंटन किया गया और इसके केंद्र बनाने के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया गया। ऐसे में वो पैसा आखिर कहां गया? दिल्ली में आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्टेराइजेशन में भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एमसीडी ने 2009 में इसका सर्वे करना ही बंद कर दिया और साथ ही एमसीडी ने कुत्ते काटने के आंकड़े छुपाने के लिए अपने अस्पतालों में रेबीज की दवाई रखना बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने के डर से बच्चों को बाहर पार्क में भेजना और महिलाओं ने सैर पर जाना बंद कर दिया है। कॉलोनियों में लोग कुत्तों के आतंक से भयभीत हैं। पार्कों के अंदर लोग अपने बच्चों को नहीं भेज पाते क्योंकि वहां पे स्ट्रे डॉग्स इतने फेरोशियस, इतने खुखार हो चुके हैं कि वो बच्चों पे, एडल्ट्स पे, महिलाओं पे बिना किसी प्रोवोकेशन के अटैक करते हैं। आज एक मामला मैं आपके सामने रख रहा हूं, 17 दिसंबर का मामला है। मोती नगर थाना क्षेत्र के अंदर नजफगढ़ रोड पे डीएलएफ के निकट डीडीए के पार्क के अंदर मां बाप ने अपने 3 साल के बच्चे को धूप में बिठाया खेलने के लिए और मां बाप वहां पे व्यस्त हो गए, कई बच्चे खेल रहे थे। उस पार्क के अंदर स्ट्रे डॉग्स ने, कुत्तों ने उस 3 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया और उसको नोच खाया। 2017 में इनका आंकड़ा था, सिर्फ एमसीडी के अस्पतालों के अंदर हर रोज 225 लोग आते हैं जिनको कुत्ते ने काटा है। ये 2017 का आंकड़ा है। उसके बाद से एमसीडी के अस्पतालों में एंटी रेबीज की दवाई रखनी बंद कर दी। आप एमसीडी के अस्पताल में चले जाओ, हफ्ते में 7 में से 5 दिन या हो सकता है 7 दिन दवाई ही नहीं होगी, इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं होता। समस्या ये है कि दिल्ली नगर निगम की कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर कुछ गड़बड़ है तो आप किसको कहोगे? आप सोचोगे आप किसको जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि मेयर इनके हर साल बदलते हैं। आप मुझसे ही पूछोगे मेयर का नाम, मुझे ही नहीं पता इनके मेयर का नाम, क्योंकि कभी किसी को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं। आप पूछोगे इनके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, वो भी किसी काउंसिलर को बना देते हैं, उसकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं। उनका खुद का जो है राजनीतिक कद इतना कम है कि आप उनसे क्या बात करेंगे और आप उनसे क्या ये अपेक्षा करेंगे कि वो आपका किसी चीज का जवाब देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.